वरुण, मेरा सवाल आपसे है कि यू नो यू बीन द बादशाह इन कॉमेडी में, एंड कॉमेडी आपके रगों में दौड़ती है. व्हाट मेड यू से यस टू केस तो बनता है? केस तो बनता है, नॉन फिक्शन इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ फन. आई थिंक अ फॉर्मेट लाइक केस तो बनता है विच इज़ वेरी न्यू, जहाँ पे ऐसे अतरंगी इल्ज़ाम लग रहे हैं स्टार्स पे, एंड विद टू वर्क विद रितेश सर एंड सच टैलेंटेड पीपल, आई थिंक द इंटायर सेटिंग इज जस्ट सो अमेजिंग. तो एंड जैसे रितेश सर ने बोला, आप फ्लो में आप कुछ भी जिस तरह से मस्ती कर सकते हैं, मैडनेस कर सकते हैं. सो ऑफकोर्स आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग लाइक केस तो बनता है, विच इज सो मच फन एंड हैज सो मच ऑफ ह्यूमर इन्वॉल्व्ड, एंड इट्स जस्ट अ ग्रेट जर्नी टू बी अ पार्ट ऑफ. सो व्हेन इट केम टू मी, आई जंप्ड ऑन टू इट, एंड आई थिंक वी ऑल हैड अ बॉलर ऑफ अ टाइम शूटिंग फॉर द एंटायर सीजन. You yourself are very, very spontaneous. You know, how was it working with spontaneous Ritesh and spontaneous Kusha? Ritesh bhai, I've always been a huge admirer of Ritesh bhai, and I've been a huge fan of Ritesh sir's work. And ये डेढ़ महीने बाद बोल रहे हैं मुझे. सर ऐसे मत बोलो, मैंने पहले दिन भी आके बोला था भाई आपको. But I've been a huge admirer of Ritesh sir's work and the line of work that you know he's done. And comedy as a genre it is a tough genre, and that timing और वो जो reaction give and take होता है, I think, and कोई भी आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी project में किसी आप जुड़ते हैं, तो आप अपने जो आपके co-actor होते हैं, जो आप उनसे अनसेट चीज़ें कहीं बहुत सीख लेते हैं, और वो डेली रूटीन में जैसे आप पूरा दिन काम करते हैं, इन बिटवीन शॉट्स बातें होती हैं, सो देर आर सर्टन ट्रेड सर्टन एस्पेक्ट्स विच इट जस्ट गेट्स एम्बेडेड इन यू एंड यू नो यू काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेड इन योर ओन लाइफ. सो फॉर मी आई फील रियली फॉर्चुनेट टू हैव वर्कड विद रितेश भाई, एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दिस इज द स्टार्ट ऑफ मेनी थिंग्स दैट वील बी डूइंग टुगेदर. Wishing you the super best and all Thank the best you. for Kes To Banta Hai. And with Khusha is the first, मैं उनको पहले नहीं मिला था, मैं शो के दौरान ही उनको मिला था. आई थिंक शी इज गॉट ग्रेट एनर्जी एंड शी इज ऑल्सो वेरी स्पॉन्टेनियस एंड इज लॉट ऑफ फन. एंड ये जो महारथी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, मतलब ये सिर्फ आज ही इतने ऐसे मतलब सोफिस्टिकेटेड हेलो हाय ये वो शो में इन्होंने हुड़दंग मचाया हुआ था. नहीं, और मैं इनके बारे में कहना चाहता हूँ कि ये जो तीनों हैं यहाँ पर, आई एम सो हैप्पी सो ग्लैड कि हम दोनों यहाँ पर वकील हैं, क्योंकि हम लोग अगर कटघरे में तो हमारे कपड़े उतार देते हैं, खत्म कर देते हैं. हाँ, तो पारितोष, एक तो इस टीम के साथ काम करना ही, ये सारी चीज़ें मुझे याद रहेंगी. वो तालियां मैं फ्रेम करा के रखूँगा अपने घर में हमेशा के लिए, कि कभी लाइफ में कभी कुछ डाउनफॉल ऐसा आए तो वो मैं देख के मोटिवेट हो जाऊँगा. एक ये मेरे लिए हमेशा रहेगा. और ये शो मेरे लिए ऐसा है कि कोई लड़का गली में क्रिकेट खेलता हो, उसको उठा के बोला जाए कि तू इंटरनेशनल में खेल बड़े दिग्गजों के साथ, और वो खेलने का उसको मौका मिलता है और खेलता है, और सीनियर इतने प्यारे हैं कि वो बोलते हैं वेल प्लेड. तो ये मेमोरी हमेशा रहेगी ये ज़िंदगी में. और इस बड़े स्टेडियम में मैं कहूँगा आपने चौके छक्के मारे, ऑलरेडी इंप्रेस कर दिया हमें ट्रेलर के साथ. वो कहते ना, वो डायलॉग है ना, मैं क्या दिखता तो हूँ स्वीट इनोसेंट टाइप का. हाँ, पर मैं आगे वाली लाइन नहीं बोलूंगा सर. नहीं नहीं, ले भारतवर्ष भी अग्री कर रहा है वहां पे कि ये सही बात है. नहीं नहीं, मैं इतना मतलब देख के ही मुझे कौन मुझ पे इल्जाम लगाएगा यार. अच्छा, काम करते पारितोष, तुम इल्जाम लगाओ, देखते क्या कैसे अपने आप को निर्दोष साबित करते हैं. आप मेरे पे इल्जाम लगाइए, मैं इनके जैसा आंसर करूंगा. मैं रितेश को दूंगा. एक्चुअली रितेश एक इल्जाम लगा दो यार, वो उनकी तरह आंसर कर देंगे. गोपाल जी पे एक इल्ज़ाम लगा दो आप. गोपाल जी, जब आपको पता चला कि करीना जी शो पर आई हैं और उनके ऊपर आपको इल्ज़ाम लगाना है, तो आपको कैसा लगा? क्रेजी. फिर करीना जी के बाद जब सारा आई तो आपको कैसा लगा? कैरेक्टर में घुस के करेगा चश्मा पहन के. यार मुझे ना सैफ वाली फीलिंग आई, वाओ. वेल क्रेजी, थैंक यू भाई. परितोष के होते हुए मेरी जरूरत भी नहीं है इस शो को एक्चुअली. वही प्रूव करना चाहते परितोष आज. वही वही.